U.S. इमिग्रेशन इंटरव्यू के दौरान मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और मैंने उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया अगर आप यू एस ट्रैवल करने वाले हो तो किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू गो फॉर इमिग्रेशन इंटरव्यू इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ वीज़ा इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक मैसेज मिलता है और मैसेज में कुछ इस तरह लिखा रहता है कि योर पासपोर्ट इज रेडी टू कलेक्ट इस मैसेज को पढ़ने के बाद आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वाज रियली हैप्पी इमिडिएटली रेडी हुआ पासपोर्ट ऑफिस गया और पासपोर्ट ऑफिस में मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और देखा कुछ इस तरह कि यार मेरा कोर्स जो था वो एक ही साल का था बट हाव आई गॉट अ वीज़ा फॉर फाइव ईयर्स और जैसे मुझे वीज़ा मिल गया मैंने अपना टिकट बुक किया और फिर मुझे निकलना था इंडिया टू न्यूयॉर्क बट कनेक्टिंग फ्लाइट कुछ इस तरह था कि हैव टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अबू धाबी फिर अबू धाबी से मुझे न्यूयॉर्क पहुंचना था तो जैसे ही मैं अबू धाबी पहुंचा वहां पर जाने के बाद मुझे पता लगा कि हैव टू क्लियर माय इमिग्रेशन इंटरव्यू इसके बारे में मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था एंड दिस वाज अ रियल सरप्राइज टू मी कि मेरे साथ एक लड़का था जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था और मैंने जब उससे पूछा कि यार ये कौन सा लाइन है फिर से ये लोग डॉक्यूमेंट्स क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो उसने बताया कि यार दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन इंटरव्यू यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे जो भी हम लोगों ने अपने वीज़ा इंटरव्यू में दिया था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज रियली शॉक एंड आई वॉज सप्राइज टू नो दैट इवन आफ्टर गेटिंग यू एस वीज़ा दर इज हाई नंबर ऑफ चांसेज इफ़ यू आर नॉट सेटिसफाइंग द इमिग्रेशन ऑफिसर ही कैन मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग अ लव टू गेट इन टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही कैन मेक यू टू गो बैक टू योर कंट्री और उसके बाद मुझे बुलाया गया और जैसे ही मुझे बुलाया गया मुझसे मेरा डॉक्यूमेंट पूछा नथिंग बट माई पासपोर्ट एंड आई ट्वेंटी दोनों चीज़ों को मैंने जैसे ही दिया उन लोगों ने द पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि विच कॉलेज तो मैंने कॉलेज का नाम बताया उसके बाद उन लोगों ने बोला कि हाउ डू यू केम टू नो अबाउट दिस कॉलेज ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था मेरे वीज़ा इंटरव्यू के दौरान और जिस जो भी मैंने उधर रेस्पॉन्ड किया था सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर भी रिपीट किया मैंने उन्होंने बोला कि हैव डन अ गूगल सर्च एंड आई केम टू नो अबाउट दिस कॉलेज एंड आफ दैट आई केम टू नो दैट फ्यू ऑफ माई कलीग्स एंड मैनेजर हैव डन द कोर्स फ्रॉम द सेम कॉलेज दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस कॉलेज तो मैंने ये बोल दिया उसके बाद उन लोगों ने बोला कि वेर आई यू गोइंग टू स्टे तो मैंने बोला कि कॉलेज इज़ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन सो आई एल बी देयर तो उसके बाद उन लोगों ने पूछा वर इज एड्रेस ऑफ योर कॉलेज तो मैंने कॉलेज का एड्रेस बताया उसके बाद उन लोगों ने मुझे देखा फिर थोड़ी देर उसने कुछ टाइप किया उसके बाद स्टैंप आ, मारा मेरे पासपोर्ट पर और मेरे को दोनों डॉक्यूमेंट दे दिया कॉलेज का डॉक्यूमेंट विच इज़ आई और उसके बाद मेरा पासपोर्ट दोनों चीज़ को मुझे दे दिया एंड देन लोगों ने बोला ओके हैव ए गुड स्टे बोल के उन लोगों ने मुझे भेज दिया बट मेरे साथ एक लड़का था जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था उससे भी यही सब क्वेश्चन पूछा गया था बट एट द सेम टाइम उसे ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना पैसे आप कैरी कर रहे हो अभी राइट नाउ वन यू आर ट्रेवलिंग यू वॉज कैरिंग ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड डॉलर्स विद हेम तो उसने ये बताया उसके बाद उसे आगे जाने के लिए कह दिया गया था सो so, इमिग्रेशन तो क्लियर हो गया बट ये जिस बंदे के बारे में ब, बता रहा था कि जिसने मुझे बताया कि इमिग्रेशन में ये सब पूछा जाता है तो उसके साथ हुआ ये कि यार आ, उसका ये ड्रीम कंट्री था यूनाइटेड स्टेट्स को अंदर ट्रैवल करना और वहाँ पर जाके बसने का बट विद इन ए वीक ऑफ़ टाइम ही डिसाइडेड दैट आई एम नॉट ग स्टे इन दिस कंट्री एंड वो फिर इंडिया वापस हो गया विद इन ए वीक ऑफ़ टाइम सो ये पहली बार था मेरे सामने कुछ ऐसा हो रहा था कि बंदे का एक जुनून था यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचना और वहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो रियलिटी को फेस करते हैं आ, वो ले नहीं पाया फिर वो इंडिया चलेगा सो so, इस चीज़ के बारे में इस लड़के के बारे में इनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को देख देखा है यू एस कैनाडा ऑस्ट्रेलिया या यू के जब आप ट्रैवल करते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली exactly उधर होता क्या है काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में ना पता होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता लगता है उस कंट्री के अंदर पहुँचने के बाद Then you यू फील दैट दिस इज नॉट you are लुकिंग फॉर सो इस चीज़ के बारे में किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न कुछ ये है कि यार इनिशियल स्टेज में कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता होना चाहिए था जो मुझे नहीं पता होने के वजह से काफ़ी सारे इनिशियल स्टेज में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मैं नहीं चाहता जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप यूएस ट्रैवल करने वाले हो इमिग्रेशन इंटरव्यू देने वाले हो तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता रहना काफ़ी जरूरी है और कुछ गलतियाँ विच यू शुड नॉट बी फॉलोइंग बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के आगे मैं बात करने वाला हूँ सो इमिग्रेशन के इंटरव्यू के दौरान आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है तो यार इमिग्रेशन में आपसे ये चेक किया जाता है कि वाई यू आर गोइंग टू देयर कंट्री एंड वॉट इज़ अ पर्पज एंड वेन यू विल बी बैक टू योर होम कंट्री ये उनका पर्पस होता है पता करने की आपकी तरफ से तो जैसे ही वीज़ा मिलता है काफ़ी सारे लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ क्या मैं उधर सेटल डाउन हो सकता हूँ क्या मैं शादी कर सकता हूँ क्या मैं उधर बिजनेस कर सकता हूँ ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो उस कंट्री के अंदर बसने के लिए पता करते हो उन सारी चीज़ को सर्च करना बंद कर दो एज सोन एज यू अप्लाई फॉर वीज़ा और एज सोन एस यू आर अबाउट टू गो एंड ट्रैवल टू देट कंट्री बिकॉज होता ये है कि इमिग्रेशन के इंटरव्यू के दौरान अगर उन्हें किसी प्रकार का डाउट आया कि यार देर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू और देर आर चांसेस वेयर यू विल बी गेटिंग सेटल डाउन इन देयर कंट्री जब आप स्टूडेंट वीज़ा के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो देर कैन भी पॉसिबिलटी वेयर दे कैन मेक यू सेट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड दे कैन चेक यूर बैकग्राउंड वेयर दे कैन चेक किए आप कितने लोगों से चैट कर रहे थे कितने लोगों को आपने ई किया किस तरह का कॉन्टेंट आप यूट्यूब में या फेसबुक में चेक करने की कोशिश कर रहे थे क्या कर रहे थे वो सारी चीज़ को वो लोग चेक करने की कोशिश करते हैं और उस दौरान अगर उन लोगों को ये पता लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट स्टार्टअप बिजनेस और वांट टू गेट सेल डाउन इन देयर कंट्री वांट टू गेट मैरिड टू अ पर्सन ओवर देयर इस तरह का जो ड्यूअल इंटेंट आपके अंदर वो अगर देख पाते हैं तो देर इज अ हाई नंबर ऑफ चांसेस वेयर दे कैन स्टॉप यू एट द इमिग्रेशन चेक पॉइंट एंड दे कैन मेक यू गो बैक टू योर कंट्री सो ये सब जो चीज़ें हैं जो आप सर्च करते हो उन चीज़ों को ना करिए बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन इंटरव्यू बस जो भी है जो भी आपने बताया था आपके वीज़ा इंटरव्यू के दौरान उससे ही सेम चीज़ को अच्छी तरह से बात करिए खुशी खुशी स्माइल करके बात करिए और डरने वाली बात कुछ नहीं है जो भी आपसे वीज़ा के दौरान पूछा जाता है वही चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है दो तीन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा नहीं पूछते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच इफ यू गैट एनी कर क्वेश्चन एड कंसर्न एन प्लीज़ गैट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम आई विल बी हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन दिस इज ऑलबाउट माई वीज़ा एक्सपीरियंस थैंक यू गाइस टेक केयर